हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एंड के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। और आज स्वास्थ्य विभाग में एक और भर्ती निकली है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए है। और इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट है, वेरियस टेक्नीशियन है जैसे कि रेडियोग्राफर है, ECG टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियंस है और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है इसमें। तो दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा PDF को और फॉर्म फिल करिएगा। ये PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमारे नोटिफिकेशन जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हम नोटिफिकेशन पर जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। और ये दिनांक 18/5/2020 को आई थी वैसे। और आप यहाँ देख सकते हैं आगे, और COVID-19 के तहत अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश निर्देशानुसार COVID-19 महामारी के तहत कोविड वार्ड में मानव संसाधन की आवश्यकता है जिस हेतु अस्थायी पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन दिनांक 30/5/2020 तक संस्था की मेल आईडी है दोस्तों पर प्राप्त होना चाहिए। मतलब आपको जो एप्लीकेशन है वो आपकी, आपको इस मेल आईडी पे आपको स्कैन करके मेल करना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट भी एक साथ स्कैन करके इसको PDF फॉर्म में आप बना सकते हैं। PDF फॉर्म में इसको अपलोड करके आप इसको मेल करना पड़ेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट रहेंगे उनको दिनांक 5/6/2020 को, मतलब 5 जून को प्रातः 9 बजे से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अथवा मेरिट के आधार पर अथवा दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से साक्षात्कार इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो मेडिसिन से है उनमें 38 पोस्ट है, और एनेस्थीसिया मेडिकल ऑफिसर है उनकी भी 38 पोस्ट है, और जो मेडिकल ऑफिसर है उनकी 206 पोस्ट है, स्टाफ नर्स की 101 पोस्ट है, और रेडियोग्राफर की पोस्ट है 9, ECG टेक्नीशियन की है 9, और डायलिसिस टेक्नीशियन की है 9 पोस्ट। और दोस्तों, आप इसमें फॉर्म भरिएगा, पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, उपरोक्त नियुक्ति NHM के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु की जा रही जिसकी अवधि कुल 3 माह की होगी। आवेदन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के ईमेल, ये मेल आईडी दे रखी है nscbmcjb@gmail.com पर भेजे। आवेदन पत्र में पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। समस्त दस्तावेज सहित स्कैन कराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के ईमेल आईडी पर भेजना है आपको। चयन प्रक्रिया पर किसी प्रकार की भत्ता देय नहीं होगा, मतलब अगर आपको इंटरव्यू या आपका चयन कुछ होता है तो आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा इसमें। चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय NHM के मापदंडों के अनुसार होगा, मतलब जो आपकी सैलरी रहेगी जो NHM के अनुसार रहती है कि स्टाफ नर्स की 20,000 रहेगी, टेक्नीशियंस की और इनकी 15,000 रहेगी। तो ये जो अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय होगा NHM के मापदंडों के आधार पर होगा। अधिक जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.nsnetajisubhashchandrabosemedicalcollege.ac.in पर उपलब्ध है, कृपया समय समय पर उसका अवलोकन करें। मतलब जो लिस्ट लगेगी दोस्तों जिनका हो गया है, जिनका होगा वो भी इसी पे, मतलब वो डालेंगे लिस्ट भी, जिनके मेरिट में नाम आ जाएगा उनका भी इसी आधार पर होगा। अब यहाँ पे हम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में हमें देखना है कि फर्स्ट है 38 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन ऑफिसर, मतलब आप जिनके पास MD या MS है जो भी है उनके लिए है ये। PG इन जनरल मेडिसिन, और जो सैलरी रहेगी अस पर NHM कंडीशन के आधार पर रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया वालों को मेडिकल ऑफिसर 206 पोस्ट है, और MBBS है इसके लिए। स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टाफ नर्स के लिए जो है टोटल 101 पद है। स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के साथ 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब इनको BA, मतलब जो इनका 12th हो इनका बायो से होना
बहुत ज़रूरी है, बिना बायो वालों इसमें नहीं डाल सकते हैं। बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग के जस्ट फिर इसके बाद या तो बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन जीवित पंजीयन होना चाहिए। और जो सैलरी रहेगी शायद 20,000 रुपये नर्सिंग की रहती है। उसी प्रकार रेडियोग्राफर के आप देख सकते हैं कि रेडियोग्राफर के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन टोटल 9 पोस्ट है और अभ्यर्थी 12th बायो से होना चाहिए। इसका 12th बायो के बाद इनका मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोथेरेपी का डिप्लोमा प्रमाण पत्र DRT सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं कि 12th बायो चाहिए, 12th बायो लगेगा। और 12th बायो के बाद इसमें ECG टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट एक कोर्स आता है, वो प्रमाण पत्र चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए। और कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनका 500 बिस्तरीय हॉस्पिटल में उससे अधिक की चिकित्सा में कार्य के अनुभव को प्राथमिकता, जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको अनुभव उनको मतलब उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको पहले लिया जाएगा दोस्तों। अब इसमें डाले फार्म डायलिसिस टेक्नीशियन में भी यही है, सेम टू सेम प्रोसेस है कि 12th आपका बायो से होना चाहिए और 12th बायो चाहिए, टेक्नीशियन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए और 1 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। अब इसमें आने योग्यता निर्धारित है क्या क्या हो सकती है, विकृत चित्त वाले होने पर, मतलब जो विकृत चित्त हो गए उनको नहीं रखेंगे, वो दृश्य चरित्र होने पर भी नहीं रखेंगे, शारीरिक दुर्बलता या कुछ होने पर नहीं रखेंगे वो। नियुक्ति के लिए प्रयास अनुशंसा किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने तो किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनुशंसा उसके लिए अनिवार्यकारी माना जाएगा। अगर वो क्या करते हैं कि कहीं सारे पहचान से करने की कोशिश रहते हैं उनके लिए नहीं रहेगा दोस्तों ये। और विवाह संबंधी क्या है कि इनका विवाह संबंधी क्या है कि जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष और महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया, मतलब जिनकी 21 वर्ष से पहले और 18 वर्ष से पहले जिनकी शादी हो गई है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसे महिला या पुरुष जिसने किसी ऐसे पुरुष महिला से विवाह किया जिसकी पहले से जीवित पत्नी पति हो, ऐसे महिला पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो गए। अब कुटरचित दस्तावेज भी इसमें पात्रता नहीं होगी। और उसके बाद कदाचरण संबंधी अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नैतिक पतन के अपराध में आपराधिक मामले दोष सिद्ध हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और इसके आगे और देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब मेडिसिन डॉक्टर के लिए ये मतलब जो MD रहते हैं उनसे आपको स्वास्थ्य परीक्षण करवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब महत्वपूर्ण टिप्स में क्या क्या है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समय समस्त अर्हताएँ और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो आप स्वयं चेक कर सकते हैं। जिन आवेदकों के 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे हैं कृपया वे इस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत न करें, मतलब ऐसे आवेदक जिनके 5 वर्ष से कम छोटे बच्चे हैं वो आप इस आवेदन के लिए अप्लाई न करें। और यहाँ पे अनुबंध पत्र दे रखा है आप इसको फिल कर सकते हैं, अनुबंध पत्र को देखिएगा दोस्तों। और इस फॉर्म को और इसका फॉर्म का प्रारूप है ये, आप अपना पद डालें फॉर्म का प्रारूप कहें, आपका स्वप्रमाणित फ़ोटो लगाना है, आपको फ़ोटो लगा के उस पर सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम डालना है, अपना नाम डालना है, मेल या फीमेल है, पिता पति का नाम डालना है, वर्तमान निवास का स्थान पता डालना है, जो भी आप अभी जहाँ रह रहे हो स्थायी पता आपका जो भी हो, आधार कार्ड नंबर डालना है, जन्मतिथि डालना है, विवाहित या अविवाहित है उनकी संख्या डालना है, अगर बच्चे कितने बच्चे हैं वो डालना है, आपकी शैक्षणिक योग्यता डालना है दोस्तों। इसी प्रकार आपका अगर अनुभव है तो अनुभव को डालना है और आपने जो जो सर्टिफिकेट लगाए हैं जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन पर टिक करना है कि हाँ ये मैंने लगाया है दोस्त, घोषणा पत्र है। और इसे फिल करके ये मेडिकल ऑफिसर्स के लिए हैं, वैसे हमें ये नहीं भरना नीचे वाला, वो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है और स्टाफ नर्स और इनके लिए ये फॉर्म है, फॉर्म का प्रारूप है। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें दोस्तों, ये फॉर्म अच्छी पोस्ट है इसमें और सैलरी मेडिकल मतलब जो सैलरी जो रहेगी वो जो NHM के अंडर जो रहती है स्टाफ नर्स टेक्नीशियंस उनकी वैसे ही सैलरी रहेगी दोस्तों। आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।